स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूल प्रशासन को मिले धमकी भरे ईमेल। धमकी के बाद स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल। देश की राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए स्कूल परिसर में बम रखा होने की धमकी मिलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमकी की खबर मिलते ही बम का पता लगाने वाली टीम, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारी स्कूलों में पहुंचने लगे और तलाशी अभियान जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मयूर विहार इलाके में स्थित मदर मैरी स्कूल, द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल, बसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल और साकेत स्थित एमटी स्कूल को ईमेल के जरिए स्कूल परिसर में बम रखे होने की धमकी दी गई है। स्कूलों को सुबह करीब 4 बजे के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकियां मिली। ईमेल भेजने वाले का सोर्स का पता अब तक नहीं लग पाया है, हालांकि पता लगाने के लिए जांच चल रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में पुलिस आयुक्त से बात की है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को स्कूल परिसर में गहन तलाशी लेने, दोषियों की पहचान करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई चूक ना हो। हालांकि पुलिस ने बताया है कि हमने सभी स्कूलों की जांच की है और कुछ भी नहीं मिला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा टायर हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे, जिसमें हमारी एएसजेड टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पर कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। Thank you.